नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार निर्देशक मनीष शर्मा की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 को लेकर दर्शकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस फिल्म को मेकर्स इसी साल दिवाली 2023 पर रिलीज करने वाले हैं और जिसका पहले ही आधिकारिक ऐलान हो चुका है। और इधर खबर है कि अब इसी दिन बाहुबली स्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार भी सिनेमाघरों पर धमाका करने के लिए तैयार है। वहीं प्रभास और श्रुति हासन स्टारर KGF 2 फेम निर्देशक प्रशांत नील को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है। ये मूवी पहले इसी महीने 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी और बड़ी बात ये भी है कि इस मूवी की रिलीज से पहले अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है। मगर मेकर्स ने एन वक्त पर अपना फैसला जो है पलटा और अब इस फिल्म को नवंबर महीने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीते दिन की जानकारी सामने आई थी कि मेकर्स अब इस मूवी को सितंबर महीने में रिलीज नहीं कर पाएंगे और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी तक जो है पूरा नहीं हो सका है और ऐसे में निर्माता जल्दीबाजी कर अपनी मूवी के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, इसलिए फिल्म की रिलीज डेट को कुछ और वक्त के लिए टाल दिया गया है ताकि फिल्म पूरी तैयारी के साथ ही सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचे। और इस बीच सोशल मीडिया पर खासा बज है कि अब ये मूवी सीधा सलमान खान की टाइगर 3 के साथ भिड़ने के लिए तैयार है और रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स सालार को दिवाली वीकेंड पर रिलीज कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी हाथ नहीं लगी है हमारे और फिल्मी हलकों में भी अभी तक जो है इसकी चर्चाएं हो रही हैं और इस मूवी की भिड़न टाइगर 3 से हो सकती है। इधर खबर है कि सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार को मेकर्स जो है दो भागों में रिलीज करने वाले हैं। इस मूवी का पहला भाग नवंबर महीने में रिलीज होने वाला है जिसके बाद मेकर्स KGF की तर्ज पर दूसरी मूवी का भाग भी जल्द ही रिलीज करेंगे। तो क्या आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।